अभी हम बात करेंगे एंडो माइक्रोराइजल फंजाई की। आमतौर पर हम बात शुरू किया था किस चीज़ से, माइक्रोराइजल फंजाई के। माइक्रोराइजल फंजाई से हम अभी बात करने वाले किस चीज़ के, एंडो माइक्रोराइजल फंजाई, मतलब एंडो माइक्रोराइजल फंजाई जो है वो किस तरह यानी पौधों को फ़ायदा पहुंचाता है। आमतौर पर फंजाई जो है नुकसानदेह भी है, फ़ायदानाक भी वगैरह। फंजाई जो है मुख्तलिफ़ किस्म के पैरासाइट भी होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों के अंदर भी रहते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों से ग़िज़ा हासिल करते हैं, जानवरों को नुकसान भी पहुँचाते हैं, ना जानवर ये वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म के पैरासाइट। और यहाँ पर आता है माइक्रोराइजल फंजाई की बात, लेकिन माइक्रोराइजल फंजाई खासकर एंडो माइक्रोराइजल फंजाई की। माइक्रोराइजल फंजाई की दो अकसाम हैं, उनमें से एक है एंडो माइक्रोराइजल, दूसरा जो है एक पहला जो है मतलब एक्टोमाइक्रोराइजल, दूसरा जो है एंडोमाइक्रोराइजल। यानी कि आमतौर पर माइक्रोराइजल फंजाई का काम क्या है, माइक्रोराइजल फंजाई के अगर हम काम को देखो क्या करता है, और जो नमकियात होते हैं उनको ज़मीन से क्या करता है, जज़ब करता है। मिसाल के तौर पर जिंक, कॉपर, फास्फोरस जज़ब करने के बाद क्या करता है, इनको बड़े बड़े दरख्तों को क्या करता है, जैसा कि ओक है, जैसा कि पेड़ है, जैसा कि पीनस, बड़े बड़े दरख्तों को उनको क्या करता है, ये जो नमकियात थी इनको उनको सब उनको क्या प्रोवाइड करता है, उनके लिए फ़ायदा होता है उन दरख्तों के लिए, फिर वो उन दरख्तों से ग़िज़ा भी हासिल करते हैं उनके बदले में। इसके दो अकसाम होते हैं, एक जो होता है एक्टोमाइक्रोराइजल, दूसरा जो है एंडोमाइक्रोराइजल। ओके, एंडोमाइक्रोराइजल ये फंजाई ये किस तरह होता है, एंडोमाइक्रोराइजल फंजाई ये फंजाई पौधे की जड़ों के खुलियों में दाखिल हो जाते हैं। मसलन क्या चीज़, आर्चिट्स। आर्चिट्स ये जो मतलब है एंडो माइक्रोराइजल फंजाई के अकसाम में, आर्चिट्स ये क्या करता है, आर्चिट्स जो है ये किसी भी यानी कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े बड़े यानी कि जो दरख्त होते हैं उनके क्या होते हैं, जड़ों के अंदर, उनके सेल के अंदर जाते हैं। ठीक है, मतलब जो जड़ है ज़मीन के अंदर किसी मतलब कि पौधे के, बड़े बड़े पौधे उनके जड़ों के अंदर, उनके सेल के अंदर दाखिल होते हैं। क्या चीज़, मतलब जड़ों के खुलियों में दाखिल हो जाते हैं, उनके सेल में दाखिल हो जाते हैं। ये जो यानी कि फंजाई है एंडो माइक्रोराइजल, एंडो माइक्रोराइजल फंजाई। और इसी तरह इसके जो बरक्स ये जो एक्टो माइक्रोराइजल फंजाई है ये क्या करते हैं, उनके सिलों के गर्द रहता है, यानी कि फंजाई जड़ों खुलियों के अतराफ रहते हैं और यानी इनके अंदर दाखिल नहीं होते वो, यानी कि मसलन जो उसके एग्जांपल है पीनस, फेर, ओक, ये आमतौर पर ये दोनों एंडोमाइक्रोराइजल हो चाहे एक्टोमाइक्रोराइजल, ये मतलब कोई पौधे के नुकसान देह नहीं है। आमतौर पर क्या करते हैं, जिस तरह हमने कहा कि जिंक, कॉपर, फास्फोरस मुख्तलिफ नमकियात को यह करता है जज़ब करते हैं, और जज़ब करने के बाद ये क्या करता है, इस तरह इनको क्या करता है, पौधों के लिए नमकियात को जज़ब करने का काम करते हैं और इनसे इनके बदले इनसे ग़िज़ा भी हासिल करते हैं। और बाद फंजाई पौधों को जड़ों में रहते हैं और इनके साथ बाहमी इश्तराक करते हैं, तो यही है वो मतलब इश्तराक करने वाले, ये एंडोप्लाज्मिक यो यानी कि एक्टो माइको माइक्रोराइजल या कि एंडो माइक्रोराइजल फंजाई, दोनों ही यानी कि माइक्रोराइजल फंजाई ही क्या है, मतलब पौधों के लिए हम इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के फंजाई ही हम बात कर रहे हैं। बहुत फंजाई की फंजाई मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के और रिप्रोडक्शन तौलीद का निज़ाम जो है फंजाई में किस तरह होता है, आमतौर पर फंजाई जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं और उनके बारे में बात जारी है। इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, और हमारे साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह मतलब इंफॉर्मेशन हमारे साथ आप भी सुनेंगे और आपका सवाल आएगा तो आप पूछेंगे, मेरे इल्म में भी इजाफा होगा। सो नेक्स्ट टाइम वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई, फंजाई में मतलब रिप्रोडक्शन किस तरह होती है उसके बारे में बात ज़रूर करेंगे।